एक बड़े जर्नलिस्ट ने, जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, आपके मुंह पे फरहान याजी साहब का नाम नहीं लेना चाहता, उसने ये सब चीजें जो पूरी देश की जो संस्थाएं थी जो इस खबर को चोरी छुपे वाली मीटिंग को छुपा रही थी, उनको जाके एक तरीके से जो बोलते ना बर्स्ट किया इस खबर को, एकदम से इस खबर को पकड़ लिया, चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके मुंह पे माइक लगा दिया कि बताओ क्या लेके आए। तो वो वहां से भागे दुम दबा के, ऐसा मुझे नजर आ रहा था उसमें। दिल्ली में इस वक्त धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहा है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में, और खास तौर से चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, मकातिब हो या मरकज हो या फिर अलग अलग जगहों पे मजार हो, उनके ऊपर क्या कोई कोर्ट नहीं है, क्या कोई जुडिशियल सिस्टम भारत का बाकी नहीं रहा, या वो सब कुछ अब एकदम से अतिक्रमण हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया कि कहीं भी जाइए बुलडोजर की फौज ले जाइए और सब उड़ा दीजिए। मैं मुझ पर आचा देखिए दो चीजें हैं, एक तो जुडिशरी के ऊपर दबाव है ये बात है, लेकिन इस केस में कुछ अलग वजह भी है। एक और अलग वजह भी है कि जो आरएसएस के दलाल हैं, जिसमें महमूद मदनी साहब, अभी ये जो हमले शुरू हुए हैं कब से शुरू हुए हैं, जब महमूद मदनी साहब एक टीम लेके अमित शाह जी से जाके मिले, उसके और एक बड़े जर्नलिस्ट ने, जिसको मैं बड़ा मानता हूँ, आपके मुंह पे फरहान याजी साहब का नाम नहीं लेना चाहता, उसने ये सब चीज़ें जो पूरी देश की जो संस्थाएं थी जो इस खबर को चोरी छुपे वाली मीटिंग को छुपा रही थी, उनको जाके एक तरीके से जो बोलते हैं ना बर्स्ट किया इस खबर को, एकदम से इस खबर को पकड़ लिया, चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके मुंह पे माइक लगा दिया कि बताओ क्या लेके आए। तो वो वहां से भागे दुम दबा के, ऐसा मुझे नजर आ रहा था उसमें। तो वो दलाल थे आरएसएस के, जो महमूद मदनी साहब ये हमारे अमित शाह साहब से मिलने गए थे, फरहान याजी साहब ने उनकी चोरी पकड़ ली, अब वो वहां से भागे। लेकिन तय क्या हुआ होगा उस मीटिंग में, वो आपको नजर आ रहा है, नजर साफ आ रहा है कि 123 प्रॉपर्टी पे उसके दो दिन के बाद से ही हमले शुरू हुए। एक और दलाल हैं अमानतुल्ला खान साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, वो आप उनकी भी सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, महमूद मदनी साहब के जब वो जेल से छूट के आए थे ना, फौरन भागे भागे गए किसके पास, अरशद मदनी, महमूद मदनी और जितनी भी ये बड़े बड़े तंजीमों के टॉप लीडर्स हैं ना जो आरएसएस के दलाल हैं, उनसे जाके गठजोड़ की। तो ये वजह जो आप सिर्फ इसमें जुडिशरी को नहीं दे सकते, दो पक्ष हैं इसमें, जानबूझ के वक्फ बोर्ड जो 123 प्रॉपर्टीज के लिए हाई कोर्ट में स्टैंड ले रहा है, जो आज से पहले स्टैंड लिया, वो जानबूझ के आरएसएस और बीजेपी से मिलके ले रहा है स्टैंड, हरवाने के लिए लड़ रहा है खुद ही मुकदमा। ये जो पटपड़गंज में मजार था, बंगाली मार्केट तो पहुंच गए थे ना मेरा वकालतनामा छीनने के लिए, सैयद हैदर अली शाह का मजार, जो मजार था वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, आए वहां पे, ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से मिला हुआ है। और सिर्फ दिल्ली के वक्फ बोर्ड में चेयरमैन ऐसा नहीं है कि जो जेल गए अभी और अभी ईडी के केस में दोबारा जेल जाएंगे, वो सिर्फ ये दिल्ली का ही कहानी नहीं है, अभी मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ, हैदराबाद में भी यही कहानी है, दिल्ली से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैदराबाद और तेलंगाना में, वहां भी वक्फ बोर्ड का यही हाल है। वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से, खास तौर पे चेयरमैन जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपना पक्ष रख ही नहीं रहे, अपनी कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं रहे और दूसरों को भी नहीं करने दे रहे हैं। हैदराबाद में हमने वहां जाके मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर भी लॉन्च किया और ये तय हुआ है कि बहुत जल्दी वहां पे 2 लाख लोगों का रैली होगी वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स के खिलाफ उनकी इस्तीफे मांगने के लिए। वहां पे तो ये हो रहा है कि रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहे हैं, यहां भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन वहां के लोग बेदार हो गए। अब बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है जल्दी, अभी मैं दोबारा जाऊंगा वहां पे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स के खिलाफ कि तुम हमारे नौकर हो, मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार है, चौकीदार है, अल्लाह की जमीन है वक्फ बोर्ड की, ये किसी चेयरमैन या किसी वक्फ बोर्ड की नहीं है, हम मुहाफिज हैं, खुद हर एक मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी मुहाफिज है, जो इन चोरों को जो वक्फ बोर्ड में बैठे हैं पकड़ेगा। इसलिए हैदराबाद में बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है वक्फ बोर्ड के खिलाफ और किसी के खिलाफ नहीं, और उसी तरीके से हम दिल्ली में भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो दूसरे चोर ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर ईडी और सीबीआई और ये जो है एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं उनके इस्तीफे मांगने के लिए, उनको जेल लंबे टाइम के भिजवाने के लिए। सर ये हम तो लोग दिल्ली में भी सर ये तो एक लंबा प्रोसीजर है महमूद पर। अच्छा मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ये दरगाहें, ये मजार, ये मस्जिदें, मदरसे, ये सब कैसे बच सकेंगे, इनको बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई कॉग्निजेंस ले सकता है या कोई सुओ मोटो ले सकता है? दोनों पक्ष जो है ना, जब दोनों पक्ष नूरा कुश्ती लड़े आपस में तो काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो एक पक्ष को जो वक्फ बोर्ड है, यानी बुलडोजर चलता रहेगा, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो मदद कर रहा है ना, दरगाह टूटती रहेगी, बंगाल बिल्कुल टूटती रहेगी, मस्जिद टूटती रहेगी, वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है, मदर से टूटते रहेंगे, यस, क्योंकि वक्फ बोर्ड को ठीक करना पहले जरूरी है। हम लोग जैसे मुझे खदेड़ दिया गया वहां से, किस वजह से खदेड़ा गया, वक्फ बोर्ड तो लड़ रहा है कोर्ट में, लड़ रहा है वो हारने के लिए, लड़ आप नहीं लड़ रहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, और दूसरे वकील तो लड़ रहे हैं, दूसरे काउंसिल तो लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल है ना, उनको ईडी का नोटिस है कि अपनी प्रॉपर्टीज का हमें ब्यौरा दो, वो स्टैंडिंग काउंसिल
और वो जो दूसरे लॉयर्स हैं जो केस हारने के लिए लड़ रहे हैं सर, आप लड़ेंगे आपको भी नोटिस हो जाएगा अगर आप लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे या आप वक्फ बोर्ड का किस लड़े आपको भी तो हो सकता है, आपको ईडी सीबीआई का नोटिस हो सकता है। जब आपके यहाँ स्पेशल सेल रेड कर सकती है तो आपको नोटिस नहीं हो सकता अगर आपको वक्फ बोर्ड कल अपना काउंसिल अपॉइंट कर लेता है तो। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मेरे ऊपर जो रेड हुई वो सबूत छीनने के लिए हुई थी, इनके ऊपर जो रेड हो रही है और ये जेल जा रहे हैं ये पैसा चुराने के लिए वक्फ बोर्ड की हो रहा है। सर साबित तो कहीं नहीं हो रहा, साबित सर साबित तो करिए, साबित मैं नहीं करूंगा, साबित अदालत कर...